सीधे आपको फरीदाबाद एनआईटी लिए चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ कह रहे, चले सुनाते हैं आपको। अपने आप को प्रभु राम लला के चरणों में बलिदान करके उनकी जन्मभूमि की मुक्ति के इस अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। बहनों और भाइयों, होना यह चाहिए था कि देश जब गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं ने जब हमारी आजादी को कैद करके रख दिया था, तब तो माना जा सकता था कि मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हो सकता। लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था, विवाद भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए, नहीं होने दिया। राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं होने दिया गया। और याद करिए, कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या है ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुत्सित चेष्टा रही हो, देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है। समाधान, बहनों और भाइयों, मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गया था। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था, मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था इसलिए मैं अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने उस वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं, मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था, मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया। बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकलना है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी,
एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है? इसलिए ही आवश्यक है, उत्तर प्रदेश तो आपकी बॉर्डर है, लगा हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश में किसी दंगे का नाम सुना है क्या 7.5 वर्ष में? और आज से 7.5 वर्ष पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, बरेली के दंगे हो, चाहे अलीगढ़ के दंगे, चाहे वहां मथुरा का जवाहर बाग की कांड की घटना हो, ये लगातार हर दूसरे तीसरे दिन घटना घटित होती थी। पिछले 7.5 वर्ष में कोई दंगा सुना क्या? कोई दंगा नहीं है। दंगा आज उत्तर प्रदेश के अंदर दफन हो गया है, समाप्त। दंगाई ये तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सुरक्षा की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार और सुशासन की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता बहन को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना, भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करके भारत की आस्था को सम्मानित करना। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये कांग्रेस कर पाती? क्या ये लोग कर पाते? और मैं कहता हूं, जो उत्तर प्रदेश का नौजवान होगा, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जो यहां सर्विस कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, आज जब वो उत्तर प्रदेश का नाम बोलता होगा तो लोग सम्मान के साथ उसे देखते हैं, सम्मान के साथ देखते हैं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस देश में आतंकवाद की समस्या देती है। क्या कांग्रेस के रहते कश्मीर में धारा 370 हट सकती थी क्या? देश के अंदर आतंकवाद की जड़ें धारा 370 थी, मोदी जी ने समाप्त कर दी, यानी आतंकवाद समाप्त। आतंकवाद का समाप्त होने का मतलब वर्तमान सुरक्षित, भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान को तो सुरक्षित कर ही रही है, भविष्य को भी बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। याद करिए 10 वर्ष पहले का हरियाणा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से आकंठ डूबा हुआ था, लूट खसोट थी, ऐसा कोई माफिया नहीं था, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, भू माफिया हो, संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो या गौ माफिया हो, ये सभी के सभी कांग्रेस के सागर्द थे। ये सभी हरियाणा का शोषण कर रहे थे, हरियाणा के विकास में रोड़े अटका रहे थे। 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने विकास की एक नई यात्रा प्रारंभ की। आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 लेन और 6 लेन की सड़कों के माध्यम से, मेट्रो के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से, IIT, IIM और NIT, AIIMS जैसे संस्थानों के माध्यम से, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आज हरियाणा को नई पहचान दिलाई जा रही है। बहनों और भाइयों, कहां
कांग्रेस की सरकार थी कहती थी कि देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है। भाजपा तो ने नहीं कहा, मोदी जी ने तो कहा सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य सुविधा का कवर, 12 करोड़ गरीबों को किसान, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 4 करोड़ गरीबों के घर में आवास, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, ये तो मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है।